Hello, class 10 students. Welcome to online classes of Neeraj Bajpayee International School. Our today's topic in chapter 11, The Human Eye and Colorful World, is Refraction through Glass Prism and Dispersion. So, let us start this topic. This topic starts with What is Glass Prism? So, see here you can see न गेट एन आइडिया दट वॉट इज अ ग्लास प्रिज्म ग्लास प्रिज्म इज ट्राइंगुलर ग्लास ट्रांसपरेंट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ ग्लास है यहां पर आप देखेंगे कि दो ट्राइंगुलर एंड है एक यहां पर इस तरफ है और दूसरा इसके पीछे और ये तीन रेक्टेंगुलर साइड से गिरा हुआ है वन टू एंड वन इज एट दी बॉटम ऑफ इट और हम जब इसे साइड से देखेंगे साइड व्यू में देखेंगे तो इट विर like इसे हम बोलते हैं प्रिज्मी कॉल दिस थिंग और इसको हम लोग अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे जो रिफ्रैक्शन होगा वो हमने जो पहले रिफ्रेक्शन पड़ चुका है दो चीजों का रिफ्रैक्शन पड़ चुके हैं ग्लास स्लैब से और स्पेरिकल लेंसेज से उससे कुछ अलग होने वाला है समथिंग एल्स इज गोइंग टू हैपन रिफ्रेक्शन इज गोइंग टू हैल इट अ डिफरेंट थिंग तो क्या हुआ ग्लास प्रिज्म अ ट्रैंगुलर ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लास हैगुलर साइड वन टू एंड एट द बॉटम थ्री सो लेट एस सी हाउ रिफ्रेक्शन अकर्स थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इन ग्लास इन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हमने पहले क्या जाना था कि ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होता था देन द एमरजेंट इज इजल टू इंसिडेंट रे याद आ रही वाली बात कि बातेंट रे जो निकलती थी ग्लास स्लैब से वो इंसिडेंट रे के पैरल होती थी जिससे हमको एक लेटर डिस्प्लेसमेंट मिलता था बट इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म मगर यहां पर जब ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होगा देन द the emergent रे इज नॉट parallel टू इंसिडेंट रे तो यहाँ पे हमें दिखेगा अभी देखते हैं डायग्राम में ये emergent ray, जो बाहर निकलती हुई ray होगी प्रिज्म से, वो जो हमारा इंसिडेंट रे था उससे parallel नहीं होगी क्यों नहीं होगी बिकॉज द opposite faces ऑफ ग्लास प्रिज्म आर नॉट parallel टू वन अनदर देखते हैं डायग्राम में देखो ये है हमारा ग्लास प्रिज्म ग्लास स्लैब जब था तो ऐसा एक रे था है ना? मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं यहां पे कुछ इस प्रकार की चीज थी यहाँ पर ग्लास hmm. स्लैब में सीधा था इट वॉज लाइक लाइक दिस और इस तरफ में भी इस तरफ में भी ग्लास स्लैब में बिल्कुल सीधा था लाइक दिस वॉज है इंसिडेंट रे जो निकलता था जाता था वो एमरजेंट रे के पैरल होता था याद आ रही है वाली बात ऐसा कुछ जाता था और वो पैरल रहता था ऐसा कुछ होता था पहले ग्लास स्लैब में जब रिफ्रैक्शन हो रहा था बट हियर वॉट इज हैपनिंग हियर द रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग इन अ डिफरेंट वे बिकॉज दिस पी क्यू दिस पी क्यू इज नॉट पैरल टू पी आर है ना पी क्यू और पी आर एक दूसरे से किसी एंगल में है जिसके कारण से इंसिडेंट रे जो आ रही है वो अंदर में रिफ्रेक्शन तो होगी मगर रिफ्रैक्शन के बाद एक बार और रिफ्रैक्शन होके वो इंसिडेंट रे से कुछ एंगल में मुड़ती हुई दिख रही है तो इस डायग्राम को पूरे तरीके से समझते हैं यहां पे देखिए हमारा ग्लास प्रिज्म है पी क्यू आर ग्लास प्रिज्म है पी क्यू आर फिर एन एन डैश है नॉर्मल टू दिस सरफेस याद आ रही वो नॉर्मल वाली बात एक इमेजनरी लाइन जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है तो ए बी हमारा इंसिडेंट रे हो गया नॉर्मल एन एंड डैश हो गया फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे एयर से ग्लास में जा रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुआ सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुआ और टर्ड द नॉर्मल बैंड होकर ये क्या होगा रिफ्रेक्ट हुआ बी सी बी सी हमारा रिफ्रेक्टेड रे है फिर एक यहां पर नॉर्मल बनाएंगे क्योंकि अब ये दूसरे सरफेस से बाहर निकल रहा है ग्लास से एयर में जा रहा है ठीक जो कि इंक्लाइन प्लेन है तो यहां पर सी डी एमरजेंट रे हुई एम एम डैश नॉर्मल टू द सरफेस पी आर हुआ सरफेस प्रिज्म का पी आर हुआ और यहाँ पर इंसिडेंट रे ए बी अगर प्रिज्म नहीं होता तो सीधा सीधा चले जाता बी ई ए बी ई वाले रास्ते में चले जाता मगर बीच में पड़ गया प्रिज्म तो उसका एक बार रिफ्रैक्शन हुआ और फिर एक बार और रिफ्रैक्शन हुआ और वो बाहर निकला तो निकला रास्ते में सी डी सी डी को पीछे प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको दिखेगा कि वो एक एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे से जो पहले सीधी चले जाती मगर अभी बैंड हो गई है तो एंगल है ई ओ डी ये एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब कितना डेविएट हुआ लाइट कितना मुड़ गया लाइट लाइट तो पहले भी मुड़ता था मगर मुड़ कर जब बाहर निकलता था ग्लास स्लैब से तो वो इंसिडेंट रे से पैरेलल रहता था मगर यहां पे एक एंगल बना रहा है वो एंगल कहला रहा है एंगल ऑफ डेविएशन उसी चीज को हमने यहाँ लिखा देखो प्रिज्म कौन सा था पीक्यूआर नाम दिए थे इंसिडेंट रे ए बी था रिफ्रेक्टेड रे बी सी था एमर्जेंट रे सी डी था नॉर्मल टू द फेस पीक्यू एन एन डैश देखे थे नॉर्मल ऑन द फेस पीआर एम एम डैश और एंगल ऑफ डेविएशन ई e, ओ डी एंगल ऑफ डेविएशन ई e, ओ डी यह जो एंगल ऑफ डेविएशन है यही कारण आगे की चीज को पढ़ने के लिए है जो कि देखिए

ठीक है अब देखते हैं द एंगल द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एन एमरजेंट कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन ये तो हम समझ ही गए कि इंसिडेंट रे जो आ रही थी और जो निकली प्रिज्म से उन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं देन आफ्टर डेट अब एक नई चीज आई डिस्पर्शन ऑफ लाइट अब देखिए ये पहले प्रिज्म पढ़े अब समझो कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई टर्म है इफ अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ट्राइंगुलर प्रिज्म जब एक वाइट लाइट वाइट लाइट मतलब जो लाइट कलर उसका वाइट है अगर उसको वाइट लाइट स्प्लिट्स टू फॉर्म बैंड ऑफ सेवन कलर ऑन अ वाइट स्क्रीन मतलब अगर व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करोगे तो वो जब लाइट बाहर निकलेगी प्रिज्म से तो वो बाहर निकल कर अगर उसको स्क्रीन में कहीं पे आप बनाओगे उसके इमेज को मतलब वो लाइट को कहीं इकट्ठा करोगे तो वो सेवन कलर में बटी हुई दिखेगी स्प्लिट हुई दिखेगी और द बैंड ऑफ सेवन कलर फॉर्मड ऑन व्हाइट स्क्रीन ये जो सेवन कलर के बैंड्स है पट्टियां हैं इनको हम स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट बोलते हैं इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं यानी कि व्हाइट लाइट में व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास किए और वो सेवन कलर्स में बट गई स्प्लिट हो गई और ये जो सेवन कलर्स में बट गई जिसको हम स्क्रीन में देख सकते हैं उसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बोलते हैं चलो इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं देखिए एक व्हाइट लाइट आ रही है प्रिज्म से पास हुई है ना प्रिज्म से पास हुई व्हाइट लाइट और एक बार रिफ्रेक्शन हुआ फिर एक बार और रिफ्रेक्शन हो रहा है क्योंकि पी क्यू और पी आर अलग, अलग अलग एंगल में सॉरी पैरल नहीं है एक दूसरे से एक एंगल में एक दूसरे से एक दूसरे से मिले हुए हैं सो दैट्स दे आर स्प्लिटिंग दिस लाइट वो क्या कर रहे हैं व्हाइट लाइट को बांट दे रहे हैं सेवन कलर में अब ये सेवन कलर कहां से आ गए व्हाइट लाइट में एक्चुअली दिस सेवन कलर्स आर टुगेदर मेकिंग व्हाइट लाइट मतलब ये व्हाइट लाइट जो होती है जो आ रही है उसमें सेवन कलर पहले से मौजूद है पहले से मिले हुए तब जाकर वो व्हाइट लाइट बना हुआ है मगर उन्हीं व्हाइट लाइट को ये प्रिज्म अलग अलग एंगल में रिफ्रैक्ट कर देता है और इसी के कारण वो स्प्लिट होकर एक स्क्रीन में कलर्स दिखने लग जाते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम देखो कौन कौन से कलर है देखो सबसे ज्यादा डेविएशन मैक्सिमम डेविएशन किसका हो रहा है वायलेट का उससे कम इंडिगो फिर ब्लू फिर ग्रीन फिर येल्लो फिर ऑरेंज फिर रेड इसीलिए विब्योर बोलते हैं ना इसको यस yes. सबसे कम डेविएशन किस में हो रहा है रेड में सबसे कम उड़ रहा है वो सबसे कम रिफ्रेक्शन बेंडिंग उसी में हो रही है किसमें रेड में और सबसे ज्यादा वॉयलेट में हो क्यों हो रहा है ऐसा और डेफिनेशन भी देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर यानी कि व्हाइट लाइट को सेवन कलर में बढ़ जाने के प्रोसेस को फिनोमिना को जब वो एक प्रिज्म से पास होता है तब हम उसे बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट तो इसीलिए हमने सबसे पहले ग्लास प्रिज्म को पढ़ा क्या होता है ग्लास प्रिज्म और उसमें कैसे रिफ्रैक्शन होता है उसमें जो रिफ्रैक्शन हो, हो रहा है उससे क्या हो रहा है एक स्पेक्ट्रम बन रहा है उस स्पेक्ट्रम बनने के फिनोमिना को उस परिघटना को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट तो इससे क्या पता चला वाइट लाइट इज ऑफ सेवन कलर व्हाइट लाइट असल में सात कलर का मिक्सर है द इफेक्ट ऑफ ग्लास प्रिज्म इज ओनली टू सेपरेट सेवन कलर ऑफ व्हाइट लाइट एक्चुअली ग्लास प्रिज्म क्या कर रहा है व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट तो कर रहा है मगर कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसके अंदर के सेवन कलर्स सेवन कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल में रिफ्रैक्ट हो रहे हैं ऐसा ग्लास स्लैब के साथ क्यों नहीं हुआ क्योंकि ग्लास तो तो इसलिए हमें वो वहां पर नहीं दिख रहा था वो जब व्हाइट लाइट एंटर की ग्लास प्रिज्म सॉरी ग्लास स्लैब में तो भी वो मिक्सचर ऑफ सेवन कलर थी एक साथ गई एक साथ बाहर निकल गई इसलिए वो वहां स्प्लिट नहीं दिखी स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग नहीं हुआ उसका यहाँ पे क्यों हुआ क्योंकि एक एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है हां पे. So, ये बहुत बोला, कि ये असल में व्हाइट लाइट के डिफरेंट कलर्स जो हैं वो धीरे सॉरी उनका डिफरेंट एंगल में रिफ्रेक्शन क्यों हो रहा है क्योंकि ये सारे लाइट्स का तो व्हाइट लाइट में रहते हैं उनका भी अलग अलग स्पीड होता है ग्लास के अंदर मगर जब वो प्रिज्म से निकलते हैं ग्लास प्रिज्म से निकलते हैं, तो क्योंकि डिफरेंट स्पीड है इसलिए डिफरेंट एंगल में रिफ्रेक्ट होते हुए दिखते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं और क्या बताया वेन लाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ सेवन कलर फॉल्स ऑन ग्रास प्रिज्म कलर इज रिफ्रेक्टेड बाई डिफरेंट एंगल हाँ अलग अलग स्पीड में है तो इसलिए अलग-अलग एंगल में रिफ्रैक्ट हुए और विद द रिजल्ट सेवन कलर्स आर स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम और इस कारण से ये स्पेक्ट्रम बनाते हुए दिखते हैं इसमें से जो अभी हमने डिस्कस किया रेड कलर इज लीस्ट डेविएटेड सबसे कम डेविएट सबसे कम मुड़ा है रेड कलर ड्यू टू दिस रेड कलर फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इसीलिए रेड कलर सबसे ऊपर रहता है स्पेक्ट्रम के और जस्ट इसका उल्टा वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है इसके कारण ये सबसे बॉटम में रहता है स्पेक्ट्रम के अब एक फिनोमिना देखो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम एक प्रिज्म लगाए थे सेवन कलर्स में डेविएट हो गया एक और प्रिज्म वहां पे बाजू में लगा देंगे तो क्या होगा यही सेवन कलर्स फिर से जाएंगे मगर देखिए कैसा प्रिज्म को उल्टा रखे हुए अप साइड डाउन तो इस कारण से वो क्या करेंगे फिर से इसको वो मिला देगा फिर से प्रिज्म क्या करेगा इसी का कर जस्ट उल्टा फिनोमिना करेगा रिंग कॉम्बिनेशन जो बोलते हैं और उन सारे सेवन कलर्स को वापस मिलाकर व्हाइट लाइट बना देगा हम लोग उसको एक स्क्रीन में देख सकते हैं लाइट दिखेगा इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम इसके बारे में फिर से हम ज्यादा कुछ नहीं जब बस इसको ये समझ लो कि डिस्पर्शन हुआ एक प्रिज्म से दूसरे प्रिज्म से फिर उल्टा उसको पास किए तो वो फिर से रिकॉम्बिनेशन होके व्हाइट लाइट निकल गया अच्छा इसको कौन ऑब्जर्व किया था सबसे पहले इसको न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था सेवन सेंचुरी में ठीक तो हमने डिस्पर्शन तो पढ़ लिया क्या होता है इट इज स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट लाइट का अलग अलग कलर में बढ़ जाना क्या इसका कोई एप्लीकेशन हम देखते हैं हाँ बहुत बड़ा एप्लीकेशन हम देखते हैं रेनबो फॉर्मेशन सनलाइट से जो लाइट आ रही है सन से जो लाइट आ रही है वो व्हाइट लाइट होती है वो व्हाइट लाइट जब एयर में जब पानी गिरते रहते हैं तो एयर में जो रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बिल्कुल एक प्रिज्म की तरह काम करते हैं समझ लो वो क्या करते हैं रिफ्रैक्शन करते हैं और वो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन कर डिस्पर्शन करते हैं रिफ्रैक्शन कुछ इस प्रकार का करते हैं कि सारी लाइट्स वाइट लाइट्स सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और वो कुछ इस प्रकार का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी करते हैं मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को अपने अंदर ही गोल घूम कर रिफ्लेक्ट हो जाती है वो एयर वाटर ड्रॉपलेट से लाइट और कहीं पर एक इमेज फॉर्म करती है जिसे हम देखते हैं तो हमें दिखता है वो सेवन कलर्स बटा हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं रेनबो जिसको हम बोलते हैं रेनबो देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन के कारण एक एंगल में निकल रही है एंगल में एंगल ऑफ डेविएशन वाली बात याद आ रही है इसी कारण से ये हमें सेवन कलर्स में स्प्लिट अप दिखती है स्प्लिटेड अप दिखती है जिसके कारण से ये सेवन कलर्स हमको रेनबो के फॉर्म में दिखते हैं द रेन ड्रॉपलेट इन द एटमोस्फियर एक्ट लाइक मैनी स्मॉल स्मॉल द रेनबो इज प्रोड्यूस बाय द डिस्पर्शन ऑफ वाइट सनलाइट बाय रेन ड्रॉप इन द एंड रेन ड्रॉप जब पानी गिरते रहता है तो वो में मौजूद रहते हैं और यही रेनबो पैदा करने के कारण है सो दिस वॉज टू डेज एक्सप्लेनेशन अबाउट ग्लास प्रिज्म डिस्पर्शन ऑफ लाइट रिफ्रेक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म एंड रेनबो फॉर्मेशन उसका एक हमने एप्लीकेशन भी देख लिया सो लेट एस आंसर दिस क्वेश्चन द कलर ऑफ व्हाइट लाइट विच सफर्स द मैक्सिमम बेंडिंग सबसे ज्यादा बैंडिंग किस में होती है कौन से कलर में बताओ जब वो ग्लास प्रिज्म से गुजरता है येलो ऑरेंज रेड या वायलेट थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू गिव द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म से पास करती है तो वो जब सेवन कलर में बढ़ जाती है तो हम इस प्रोसेस इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं डिफ्लेक्शन बोलते हैं डिस्पर्शन बोलते हैं या स्कैटरिंग बोलते हैं अभी अभी पढ़े भाई सबको पता होगा ट्राई टू गिव दिस टू आज के लिए इतना ही आई होप दैट यू आर कंप्लीटिंग योर नोट्स ऑन दैट डे ओनली ट्राई टू गेट द अंडरस्टैंडिंग बाय एक्सप्लेनेशन ओनली एंड कीप ऑन कंप्लीटिंग द नोट्स थ्रू द पीडीएफ विच आई एम सेंडिंग यू हैव अ नाइस डे